जलती शमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। हरियाणा प्रदेश के औद्योगिक शहर के नाम से प्रसिद्ध हिसार में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा संचालिका के रूप में आदरणीय रमेश दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1947 में करनाल में हुआ। शांत स्वभाव, सीखने की कला, सहयोग भावना और मीठा बोलने की कला आपके विशेष गुण हैं। बचपन से ही सात्विक विचार होने के कारण आपको सन 1955 में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र करनाल से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। सन 1956 में संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा और सन 1957 में ज्ञान की देवी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती से मिलने का सुअवसर आपको मिला। दादियों की विशेष पालना पाकर आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। सन 1967 से 1975 तक आपने गुड़गांव और चंडीगढ़ में ईश्वरीय सेवाएं दी तथा 1976 से आप हिसार में अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन कल्याण अर्थ आपने अनेक कार्यक्रम जैसे मेले, प्रदर्शनी, सेमिनार और अनेक विश्व शांति यात्राओं का आयोजन किया। वर्तमान समय 2 सेवा केंद्र, 4 उप सेवा केंद्र, 60 गीता पाठशालाओं सहित 4000 से भी अधिक भाई बहने आपके सानिध्य में अपने जीवन को ईश्वरीय अनुभूतियों से भरपूर कर रहे हैं। बचपन में सबसे पहले ज्ञान के अंदर हमारे लौकिक बुआ जी आए थे और मंदिर के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम में के अंदर हमारी पुष्पा बुआ जी प्रवचन सुनने के लिए गए थे। उससे पहले हम बचपन के अंदर आनंदपुर कुटिया एक होती थी, वहाँ पर जाते थे और मैं रात्रि को वहाँ ही सोती थी क्योंकि वहाँ जो बाईजियाँ होती थी वो अकेले रहती थी, तो अकेले होने के कारण मुझे वहाँ सोने का मौका मिलता था और सेवा का मौका मिलता था। बचपन से ही हमारे अंदर संस्कार सेवा की भावना के थे, दयालुपन था। तो सबसे पहले हमारे करना घर से, लौकी घर से हमारे बुआ जी का पर्द ज्ञान में आना हुआ। उसके पश्चात हमारे लौकिक दादी जी आए और दादी जी ही हमारी मम्मी को ज्ञान में लेकर के चले गए। जैसे वो क्लास करने जाते थे, हमारे घर से सेवा केंद्र जो था 7 किलोमीटर दूर रहता था, तो 7 किलोमीटर दूर हमारे माता जी जाते थे तो हमें छोटे बहन भाइयों को, छोटे भाइयों को संभालना पड़ता था। तो थोड़ा सा हमें कभी कभी फील होता था हम भी जाएं, तो वीरवार के दिन हमारे माता जी हमें ले जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मम्मा हमारे करनाल में आई हुई थी, हम बहन भाई बहुत छोटे छोटे थे, तो मम्मा रात को प्रोग्राम चलता था हमारा, कल्चरल प्रोग्राम, संगीत का प्रोग्राम जैसे चलता था, तो हमारी लौकिक माता जी ने हमारे पिताजी को बोला कि आज आप हमको लेने नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने आप रात को जाचिन दादी के घर सो जाएंगे, सुबह आ जाएंगे। हमारे फादर ने कहा मैं तो आऊँगा, और मेरी मम्मी ने बोला कि ड्रिंक करके नहीं आना, तो कहने मैं ड्रिंक करके ही आऊँगा, और वो ड्रिंक करके आ ही गए। इतने मम्मा क्लास करवा रही थी और बहुत ज़बरदस्त वाणी चल रही थी, हम पीछे बैठे थे, हमारे दोनों भाई हमारे साथ थे। उस समय हमारी उम्र मुश्किल से 9 साल या 10 साल की उम्र हो, 10 साल की उम्र थी, तो हमें इस बात का तो ज्ञान था कि पिताजी ये काम ठीक नहीं करते, लेकिन मम्मा की महावाक्य सुनते ही हमारे फादर ने उसी सेकंड मम्मा को ये चीज दान में दे दी और कहा कुछ भी हो जाए मैं यज्ञ सेवा के लिए मर मिटूंगा, क्योंकि साकार बाबा ने शीश वचन तो दिया हुआ था,
लेकिन उसी समय संकल्प कर लिया कि मैं यज्ञ सेवा में समर्पित अपने आप को करता हूँ और मैं कभी भी आज के बाद इन शराब और बीड़े को हाथ नहीं लगाऊं। पिताजी ने बुरी आदतें छोड़ दी हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हम थोड़ा बहुत बहन भाई झगड़ा करते थे घर में, किसी से लड़ पड़ते थे, तो उस समय संकल्प कर लिया कि आज के बाद मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, रोना पीटना इस प्रकार की लड़ाई नहीं करनी। तो जैसे मैं 5वीं क्लास के अंदर आई, राखी का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, तो युगल एक दो को राखी बांधते थे उस समय। लेकिन उस गोपी दादी हमारे ध्यान में गए हुए थे, तो ध्यान में गए हुए थे तो उन्होंने आए नीचे राखी बांधने के लिए, तो बहुत बड़े बड़े भाई आए राखी बंधवाने के लिए दादी से। दादी ने किसी को राखी नहीं बांधी। सब हैरान हो गए, दादी क्यों नहीं राखी बांधी। मैं अपने भाइयों को लेकर पीछे बैठी हुई थी और बहुत छोटी सी उम्र में थी। तो जैसे दादियों ने गुमनोर दादी ने सबको बोला कि ऐसे करो ऐसे करो, तो वो कुछ भी समझ ना आए। लेकिन आहार के शिव बाबा ने दादी के द्वारा इशारा अंगुली का करवाया कि इसको पीछे से उठाया जाए। तो मैं बहुत पीछे बैठी थी हाल के अंदर, तो मेरे को पीछे से आगे ले आए और सबसे पहले राखी मुझे बांध दी गई। मैं क्या दूं, मेरे पास तो पैसा भी नहीं, पिताजी तो पीछे बैठे हुए हैं, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा अच्छा और कुछ नहीं, जैसे मम्मी और पिताजी बाजार का कुछ नहीं खाते, तो मैं भी आज के बाद किसी का कुछ भी खाना नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने लिख करके दान दे दिया। उस समय इतना ज्ञान की गहराई नहीं थी, लेकिन ना मुझे कोर्स का पता था, ना हमारे समय में कोर्स करवाया जाता था। लेकिन जो ये बहनें सुनाती थी कल्प वृक्ष का या झाड़ का, जो जड़ सृष्टि चक्कर का, हमें बहुत अच्छा लगता था। तो फिर हम समझते थे और हम दूसरों को बैठ के समझाते थे। जब वो क्वेश्चन करते तो हम बड़ी बहनों के सामने ले आते थे। तो मैं बचपन से ही सेंटर पर सुबह जाती थी और शाम तक सेवा करके रात को घर वापस आ जाती थी, क्योंकि लौकी घर पास में पड़ता था। तो जिस करके मुझे सेवा का चांस बहुत मिला, और सेवा करते करते इन दादियों के साथ रहती थी, इन दादियों की सेवा करती थी, इनकी बातें सुनती थी, रात को बैठ के ये साकार बाबा की बातें बताते थे, तो सुनते सुनते इनके भी आंसू आ जाते थे, मेरे भी आंसू आते थे। तो मैं कहती थी मैं भी जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो लेकिन मेरे मदर फादर कहते थे छोटी है तू, अब बड़ी हो जाएगी फिर हम तेरे को भेज देंगे। तो उस समय मुझे चोटी करना नहीं आता था इतनी अच्छी तरह से। तो सब क्लास का टाइम होगा, मम्मा त्यारों के क्लास में जाने लगे, सभी क्लास में चले गए, तो मैं घबरा गई, मैं चोटी कौन करेगा, मैं क्लास में कैसे जाऊंगी, क्योंकि मेरे बाल बहुत भारी भी थे और बड़े भी थे। तो जैसे मम्मा गुजरी कहते रो क्यों रही हो तुम, मैंने कहा मेरी चोटी कौन करेगा, मेरी मम्मी नहीं आई है, अभी वो देर से आएगी। तो कहा कंघी लाओ मैं चोटी करता। तो मेरा अहो सौभाग्य कि मम्मा ने मेरे सिर के बाल को इतने अच्छी रीति मेरी चोटियाँ के, तो घर सभी देखते रहे, मनोहर दादी वगैरह वे भी हैरान हुए कि हमें भी ऐसा गोल्डन चांस नहीं मिला, तुमको इतना गोल्डन चांस मिला। रात को मम्मा के साथ सो गई और सुबह तो उनसे इतनी सेवा ले ली। तो मैंने कहा मैं सेवा का फल दे दूंगी। बाबा जब आए थे उस समय सभी हमारी संस्था के बर खिलाफ थे, तो बाबा को गाड़ी में लेके आना था, तो हमारे फादर जो है थे ट्रांसपोर्ट में होने के कारण उनके मैनेजर की गाड़ी मिल सकती थी।
तो घर में बैठे हुए थे तो हमारे गोपी दादी हमारे लौकी घर आए और बोला कि साकार बाबा ने आना है और हमको गाड़ी चाहिए, आप कहाँ दे सकते हैं। तो मेरे फादर ने कहा हम गाड़ी का प्रबंध कर देंगे, आपके बाबा को कहाँ से लेकर आना, और बोला दिल्ली से लेकर आना। तो मेरे फादर गाड़ी लेके दिल्ली चले गए और गाड़ी लेके दिल्ली से बाबा को लाए और पकड़नाल सेवा केंद्र पर। तो हम छोटे से थे तो मम्मी तो पहले चली गई, हम किसी के साथ बाबा के पास चले गए और बहुत छोटे से थे। मम्मा बाबा ने जाते हमें गोदी में बिठा लिया, कहा बच्ची बड़ी हिम्मतवान हो। तो फकार बाबा आ रहे थे, सभी भारत के भाई बहन इधर बाबा से मिलने जाते थे। तो पहले तो हमारे लौकिक माता जी गए मिलने के लिए, 3 दिन लगा के, और 3 दिन के पश्चात फिर मेरे को जाने का चांस मिला। जैसे मैं गई तो छोटे थे, रात्रि सुबह मेरी जाग नहीं खुली, माताएं सब तैयार होकर चले गए। जैसे तैयार होकर चले गए और मैं उठी नहाई धोई तैयार होकर बाहर निकली तो कोई भी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं, तो मैं रोने लगे। तो हमारे ऑल राउंडर दादी थे तो कहने लगे रोती काहे को तुम, मैंने कहा सभी चले गए मेरे को उठाया नहीं और मैं बाबा के पास जाना, अब तो कोई बस भी नहीं जा रही, कोई गाड़ी भी नहीं है। तो मैंने और भी ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। जैसे मैं रोई उसी समय बाबा ने मेरे दिल की आवाज सुनी, जगदीश भाई जी अचानक गाड़ी लेके आ गए। तो वो किसी काम से आए थे, तो दादी ने बोला कि देखो ये बच्ची रो रही है और बाबा से मिलना है, क्लास तो खत्म हो गई। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मेरे को तो जाना है बाबा के पास। तो मेरे को जगदीश भाई जी और ब्रिजमन भाई जी अपनी गाड़ी में बिठाया और साकार बाबा के पास ले, और बाबा उस समय क्लास खत्म हो चुके थे, बाबा नाश्ता करने जा रहे थे। तो गेट पर लच्छू दादी और मनमोहिनी दीदी बैठे थे। जैसे वो बैठे तो मैं रोती हूँ आंखें लाल करके गई, तो दीदी ने बोला रोती काहे को तुम, मैंने कहा मेरे को सभी छोड़ के आ गए, मेरे को क्लास करने का चांस नहीं दिया, मैं कैसे करूं, मैं बाबा से मिली नहीं, आई किस लिए मैं यहाँ पर। तो कहा अच्छा रोना नहीं, बाबा से पूछते बाबा तेरे को मिलता है, कहा ठीक है पूछ लो। बाबा ने कहा बच्चे को अंदर ले आओ और पूछो, बुलाओ मेरे पास। तो जैसे मैं बाबा के सामने गई, बाबा ने मेरी आंखें देखी, कहा बच्ची क्यों रो रही थी तुम, मैंने कहा मेरे को छोड़ा है सारे, मैं आपने मुझे क्या कहा था मैं आपसे मिलूंगा और आप मेरे को छोड़ा है मैं क्या करूं। अच्छा बच्ची अब मैं बाबा मिल रहा ना तुमसे, अब बोलो रो गई, मैं कहा नहीं। अच्छा फिर मूड ऑफ क्यों किया, मैं फिर क्या करूं मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई। कहा बच्ची अगर बाबा तेरी डिमांड पूरी करे फिर मूड ऑफ बंद कर दोगे, मैंने कहा हाँ बंद कर दूंगी। उसके पश्चात तो फिर मुझे मतलब बाबा से मिलने का मौका मिला, जब मैं मधुबन गई और बाबा के घर में गई। बाबा मुझे छोटी सी थी पतली सी थी, तो बाबा मुझे कई बार प्यार से कहते चिपकली बच्ची है, सारा दिन घूमती रहती है, मैं ठहरती नहीं थी एक जगह, बैठती नहीं थी, कब कहाँ भाग जाती, कब पहाड़ी पे भाग जाती, कब कहाँ भाग जाती। तो बाबा मुझे प्यार से अपने कमरे में बुलाता रहता था, बिठाता था, खिलाता था, और इतना भी कहा बच्ची अब तुझे सेवा में जाना है, तो मैंने कहा बाबा जाना है। तो बाबा ने मुझे गिफ्ट के रूप में एक बहुत बड़ी सुंदर चौरस घड़ी हाथ में बांधी, तो बच्ची मैं तेरे हाथ में घड़ी बांध रहा हूँ, इसलिए बांध रहा हूँ तो समय की पहचान करो। और बहुत सुंदर बाबा ने सूट भी दिया, घड़ी भी पहनाई से, और खाना भी खिलाया 2 दिन अपने कमरे में बुला करके। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जा।
मुझे सबसे पहले बाबा ने भेजा तो लखनऊ था, लेकिन हमारी मनोहर दादी ने मुझे फिर वापस गुड़गांव भेज दिया। और गुड़गांव सेवा केंद्र पर आने के पश्चात फिर मैंने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया कि मैंने यज्ञ की सेवा करनी है। जितना मैं यज्ञ से खाना खाती हूँ या मैं सहयोग लेती हूँ, उससे दो गुना ज्यादा मुझे अपने तन और मन से यज्ञ में सेवा में समर्पित होकर दिखाना है। जैसे बाबा ने शरीर छोड़ा तो मेरे दिल को चोट लगे और मैं फौरन ही मधुबन जाने की कोशिश कर कि मैं मधुबन जाती। तो उस समय हमारी ट्रेनिंग चलती थी एक मास की, तो एक मास की ट्रेनिंग के लिए मुझे यज्ञ में मधुबन आई और मैंने संकल्प कर लिया कि अब मैंने जीवन अपना बाबा की सेवा में लगाना है। मुझे नौकरी भी नहीं करनी और दुनिया में भी नहीं जाना, बाबा के यज्ञ में समर्पित हो। तो ऐसा लक्ष्य रखते हुए मैं यज्ञ में मधुबन से पट्टी करके फौरन सीधा चंडीगढ़ आई। और चंडीगढ़ में रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा, स्थूल सेवा भी सीखी, सूक्ष्म सेवा भी सीखी, मनसा सेवा भी सीखी। हर प्रकार की सेवा करने का चांस मुझे वहाँ मिला गया। वहाँ से ही मुझे हर जगह सेवा के लिए भेजा जाता था। बटाला में गई, अमृतसर में गई, जलंधर में गई, पठानकोट में गई, सभी जगह मुझे सेवा के लिए बुलाया जाता था। मैं तीन तीन महीने चार चार महीने सेवा करके आ जाते थे। मैं लौकिक माता पिता को बोला कि जो मेरी शादी पर तुमने खर्चा करना था ना, वो मेरा शादी का खर्चा मधुबन सेवा में लगा दो, मैंने अपना पैसा सफल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरी मदर की भी ये इच्छा थी, फादर की भी इच्छा थी, तो उन्होंने कहा ठीक है हम यज्ञ में बात करते। तो यज्ञ में बात की तो मेरा समर्पण समारोह भी मधुबन में सबसे पहले हुआ। तो वहां मुझे 6 मास मधुबन भंडारे के अंदर सेवा करने का मौका मिला और बहुत सीखा मैंने। हमारी भोले दादी हमें कदम कदम सिखाते थे। सूरज भाई जी भी उस समय यज्ञ में नए नए आए हुए थे, वो भी मुझे सिखाते थे। वल्लभ भाई मुझे सिखाता था क्योंकि मैं छोटी थी, और ये भाई तो मुझे सिखाते थे कि यज्ञ में सबके साथ कैसे रहना, किस किस प्रकार से रहना है। तो मैं सभी दादियों के साथ मुझे तब यज्ञ में रहते हुए 6 मास के अंदर सभी के साथ रहने का मौका मिला। और रात को सारे दिन की मनसा का चार्ट हम दादी प्रकाश मणि को सुना कर आते थे। उस समय दादी का कमरा जो था, जो मधुबन में ट्रांसपोर्ट ऑफिस है उसके सामने कमरा था, तो वहां हम जाते थे, सारी बातें सुनाते थे। तो दादी कहती थी जिसने मधुबन का भंडारा पास कर लिया, दीदी हमारे कहते थे, तो उसने सब कुछ पास कर लिया। तो मुझे 6 मास वहां बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने ये देखा, दादियों ने भी मेरी चेकिंग की और कदम कदम पर मुझे मेरी परीक्षा भी ली, इसलिए ली कि मैं कभी परिस्थिति अगर आए तो मैं परिस्थिति का सामना कर सकती या नहीं कर सकती। तो इस प्रकार ये भी सेवा का भाग्य मुझे मधुबन में रहने का मिला और सभी दादियों के साथ रहने का मिला, क्योंकि मधुबन में सभी दादियां आती थी। ब्रिजेंद्रा दादी थे, पुष्प शांता दादी थे, बूढ़ी थे, सब बहनों से इनके साथ संपर्क में रहने का मौका मिला। निर्मल शांता दादी थे, वो तो मुझे घंटे कमरे के लिए बुला लेते दादी हमारे, और 1 घंटे से पहले मुझे जाने देते। हम बातें करा बताते थे, सिखाते थे कपड़ा कैसे पहनना है, खाना कैसे खाना है, सोना रात को कैसे साइड लेके सोना है तो कैसे साइड लेके सोना है। मना हर प्रकार के इन दादियों ने हमारी पालना की। अहो सौभाग्य मेरा जो मुझे इन दादियों के साथ रहने का मौका मिला, खेलने का मौका मिला, हर प्रकार का मौका मिला। इन्होंने बहुत ऊंचा उठाया। तो भले छोटा परिवार था,
लेकिन हमारा जीवन बहुत ऊंचा इन्होंने उठाया। तो मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि बाबा का प्यार तो मिला सो मिला, मुझे इन दादियों का प्यार भी मिला, जिन्होंने मुझे त्याग तपस्या की राह दिखाई, सेवा की राह दिखाई, मुझे ऊंचा उठाया। बड़े दीदी मनमोहिनी दीदी ने कहा कि अब तुझे बहुत सीख लिया है, अब तुझे खुद मैदान में जाना है। तो मैंने कहा नहीं दीदी, मेरी एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे कान की तकलीफ है, मुझे सुनाई थोड़ा कम देते, मैं कैसे जाऊं, इसलिए मैं चंडीगढ़ ही ठीक हूँ। दीदी ने कहा नहीं, बाबा ने कहा है तुझे मैदान में जाना है। तो मैंने कहा अगर आप लोग मुझे भेजते हैं तो मैं कभी ना नहीं करूँगा। तो वहां से मुझे मधुबन से सीधा हिसार सेवा केंद्र पर भेजा गया। और जब मैं यहाँ आई तो बहुत छोटी सी जगह थी, चंडीगढ़ तो मैं बहुत बड़ी कोठी में रहती थी, और यहाँ आई तो एक कमरा इतना छोटा, वहीं चारपाई बिछानी है, वहीं किचन बनानी है, और बाथरूम लैट्रिन बिल्कुल छोटे से किराए का मकान था, तो वो बहुत छोटा था। तो यहाँ तक कि आर्थिक परिस्थितियाँ भी मेरे आगे फिर बहुत प्रकार के आए, और सोच में पड़ गई मैं यहाँ कैसे रहूंगी। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को दीदी ने आश लगा कर भेजा है, तो मुझे दीदी की आज्ञा को पालन करते निराश नहीं करना। इतनी परिस्थिति आई कि सुबह का समय खाने को मिल रहा है तो शाम का समय शांत रहने को मिल रहा है। तो मैं सोचती शायद साकार बाबा ने तो यज्ञ में इस प्रकार शयन किया, बाजरे की रोटी खाई, हर प्रकार के भूखे रहे, तो अगर मुझे थोड़ा समय करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं। तो 6 मास मैंने यहाँ पर इस प्रकार बहुत बुरी परिस्थिति से गुजारते हुए, पर हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि मुझे साकार बाबा का, अव्यक्त बाप दादा का, मम्मा का ये वरदान था। तो वरदान होने के कारण मैं पीछे नहीं हटी, आगे बढ़ती गई, और पीछे न हटने का संकल्प ही नहीं था, क्योंकि मैंने देखा हमारा लौकिक परिवार में सिर्फ अकेली मैं नहीं चली, मेरे को देख करके भी बहुत कुछ परिवार वाले निकले, यज्ञ की सेवा के लिए समर्पित हुए। तो मैं ये सोचती थी मैं निमित्त हूँ, अगर मैं पीछे हट गई तो सारे निमित्त पीछे हट जाएंगे, तो सबके पाप के भागे भी मैं बन जाऊंगी, इसलिए मुझे आगे बढ़ना। दूसरी बात संकल्प किया, अगर लौकिक में इस प्रकार शादी हो जाती, गृहस्थी बन जाती, वहां परिस्थिति सहन करने पड़ते तो क्या होता है, यहाँ भी किया तो क्या हुआ। अब मेरा जीवन यहाँ पर है, बाबा मुझे जिस विधि रखेगा मैं रहूंगे, बाबा मुझे जहाँ बिठाएगा मैं वहां बैठूंगे। तो ऐसा संकल्प करते हुए थोड़ा शारीरिक परिस्थितियां भी आई, सामाजिक परिस्थितियां भी आई, परिवार की परिस्थितियां भी आई, आर्थिक परिस्थितियां भी आई। तो मैं आगे बढ़ते 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 2 साल के पश्चात यहाँ पर थोड़ा परिस्थिति ने परिवर्तन होना शुरू कर दिया, और परिवर्तन होते 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 आज बाबा का 24 घंटे मेरे सिर पर हाथ भी है और बाबा का साथ भी। दीदी अथक होकर के अपनी सेवाएं दे रही हैं। दीदी की ये भी बहुत बड़ी विशेषता है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को रात को 9 बजे तक वो नीचे बैठ करके ही अपनी सभी आने वाले भाई बहनों से, नए हैं या पुराने भाई बहन हैं, उन सभी से एक एक भाई बहनों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, और रात्रि तक वो उनका ये दिनचर्या चलती रहती है। इस उम्र के अंदर भी हमने कभी दीदी के चेहरे पर निराशा या थकावट या किसी प्रकार की कोई और बात हमने नहीं देखी। दीदी जी का यही लक्ष्य रहता है कि जो भी आत्माएं उनके सामने आए वो आप समान बने और बाप समान बने। मेरी तो मानना ये है कि अगर हिसार के अंदर ब्रह्मा कुमारीज को लोग जानते हैं, हिसार के अंदर अगर ब्रह्मा कुमारीज का नाम आदरपूर्वक लिया जाता है, तो इस सब का श्रेय आदरणीय दीदी रमेश जी को ही जाता है। दीदी में सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे लगी वो उनकी निश्चिंत स्थिति और हर्षित मुक्ता की रही। वो सदा सभी
हम सेंटर निवासियों से बड़े स्नेह से व्यवहार रखती हैं और साथ साथ श्रीमत पर भी पूरा चलाने के लिए वो प्रेरित करती रहती है। दीदी जी बहुत अच्छे प्लानर हैं, हर चीज़ इतने सिस्टम से प्लानिंग करते हैं, क्लास की, बिल्डिंग्स की और सेवाओं की, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है, ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल एक्यूरेट हो, कभी कोई कमी नहीं मिलती। दीदी हमारा सदा के लिए ध्यान रखती है और हमारे दुख सुख में सदा दीदी हमारे साथ है। हमारा भी नहीं, कोई अज्ञानी आत्मा भी आती है तो दीदी उनको भी उतना ही स्नेह देती है जितना हमें देती है। हम लाख लाख शुक्रिया करें जो हमें इतना ऊंचा पार्ट दिया है, इतना भाग्य बनाया है और बहन जी के साथ बाबा का भी शुक्रिया। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ।